नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। कंगना रनौत को एक वकील ने सोशल मीडिया पर दी रेप की धमकी। ये धमकी कंगना रनौत की उस पोस्ट पर दी गई है जिसमें उन्होंने नवरात्रि और व्रत का जिक्र किया था। हालांकि जब मामला ज्यादा गर्माया तो वकील ने माफी भी मांगी और इसके साथ सफाई भी दी कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। ओडिशा की वकील मेहंदी रजा ने कंगना रनौत की पोस्ट पर कमेंट किया था कि बीच शहर में आपका रेप होना चाहिए। इस कमेंट के बाद यूजर्स ने मेहंदी रजा को जमकर खरी खोटी सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहंदी रजा ओडिशा के झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एडवोकेट है। बताया जा रहा है कि रजा के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शन देखते हुए रजा ने पोस्ट में माफीनामा भी लिखा। रजा ने लिखा कि आज मेरी फेसबुक आईडी हैक हो गई थी जिससे कुछ अपमानजनक कमेंट पोस्ट किए गए हैं। किसी भी महिला या कम्युनिटी के बारे में मेरा नजरिया ये नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ और इसके लिए माफी मांगता हूँ। मेरा लोगों से आग्रह है कि मेरी माफी मंजूर करें। जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं वो मुझे माफ कर दें। मैं वाकई इसके लिए माफी चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के एक लॉयर ने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर बलात्कार की धमकी दे डाली जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने शनिवार को कंगना रनौत के खिलाफ धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की धाराओं के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी पर कंगना रनौत ने एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कौन कौन नवरात्रि का व्रत रख रहा है। फोटो आज के सेलिब्रेशन की है क्योंकि मैंने व्रत रखा है। इस बीच मेरे खिलाफ एक FIR हुई है। महाराष्ट्र में पप्पू सेना मुझ पर जुनूनी हो रही है। मुझे ज्यादा याद मत करो, मैं जल्दी ही वही आऊंगी। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत की इसी नवरात्रि पोस्ट के बाद ओडिशा के लॉयर की तरफ से ये कमेंट किया गया जिसमें उन्होंने कंगना को खुले तौर पर रेप की धमकी दी। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।